गाइस, क्या आपको पता है कि आप 1 लाख करोड़ के माली बन सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख करोड़। पता भी है कितना बड़ा नंबर होता है? मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख, उसी तरह 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक उसी तरह 1 ट्रिलियन के अंदर होता है 1 लाख करोड़। आप इतने बड़े नंबर के, इतने बड़े पैसे के मालिक बन सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। आपको पता है इन सब के बारे में? नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको कैसे बन सकते हैं। तो इस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी किताब से नॉलेज लो, इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई ऐसा जादू या फिर जादू ट्रिक नहीं बताने वाला। गाइस, बेसिकली इसका एक मकसद है, मैं बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है, आप इतने बड़े नंबर के या फिर इतने बड़े पैसे के मालिक कैसे बन सकते हो? आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इतने कमा नहीं पाते, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। वो भी इतने बड़े कंपनी, इतने बड़े पैसे का मालिक नहीं है, वो बिलीनियर है। बिलीनियर मतलब वो कम से कम 154 मिलियन US डॉलर के मालिक है वो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 लाख करोड़ के मालिक बनोगे कैसे? गाइस, ये पॉसिबल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है एस्टेरॉयड माइनिंग। किसका नाम? एस्टेरॉयड माइनिंग से। तो गाइस, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। और मैं एक एक करके आपको पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, बेसिक से लेकर हायर नॉलेज दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना। सो बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, एस्टेरॉइड्स आर द बेसिकली माइनर प्लैनेट्स। माइनर प्लैनेट्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, जिनको हम प्लैनेट्स नहीं बोल सकते, वो छोटे छोटे पत्थरों चट्टानों से बने होते हैं वो प्लैनेट्स। ना ही हम उनको प्लैनेट्स के कंसिडर करते हैं, ना ही हम उनको कॉमेट के तौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो होते कहाँ पर हैं ये, हमारे स्पेस के अंदर जो जुपिटर और मार्स प्लैनेट हैं इनके बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो इनके बीच में पाए जाते हैं, इस जगह को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हायर नंबर ऑफ एस्टेरॉयड्स मिलते हैं हमें। तो अप्रोक्सीमेटली हम साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे पास, हमारे स्पेस के अंदर कम से कम 20 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉयड्स हैं। होता क्या, बेसिकली जितने जो सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स होते हैं, यानी कि जो दिखने में सबसे ज़्यादा लार्ज साइज के होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लैटिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? प्लैटिनॉइड्स बोलते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉयड्स होते हैं। ये हमारे स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए गाइस, आप सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉयड्स बेसिकली होते क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये बेसिकली चट्टानों से बने हुए छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, जिनका बोलते हैं माइनर प्लैनेट्स। ये हमारे स्पेस में होते हैं, और ये क्या नाम है, जो भी सन है हमारा, यानी सूरज, इसके ऑर्बिट में, इसके परिक्रमा करते हैं, यानी कि इसके अराउंड अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, यानी कि इसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या, बेसिकली ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, ये बने होते हैं 3 तरह के मेटल से। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एस्टेरॉयड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, सी टाइप, एस टाइप एंड एम टाइप्स, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये तीनों के तीनों किस तरह के होते हैं। जो सी टाइप होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोनराइट टाइप्स। इसके मतलब होता है कि जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं हमारे स्पेस के अंदर। सबसे ज़्यादा जो एस्टेरॉयड हमें मिलते हैं इस स्पेस के अंदर, वो होते हैं हमारे सी टाइप। अब ये बना किससे होते हैं? ये बने होते हैं क्ले से, सिलिकेट से, रॉक से, और ये दिखने में डार्क होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं एस टाइप के। जो एस टाइप एस्टेरॉयड्स होते हैं, वो होते हैं स्टोनी टाइप ऑफ, स्टोनी बोलते हैं, एस टाइप मतलब स्टोनी, ठीक है। तो ये बने होते हैं सिलिकेट से और निकल आयरन से। किससे मिलके बने होते हैं? सिलिकेट एंड निकल आयरन से। और जो लास्ट है वो है एम टाइप, इसको बोलते हैं मेटेलिक, यानी कि ये बने होते हैं निकल और आयरन से। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 टाइप के होते हैं, इनके पास लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके इंडिया के अंदर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इनको सेल कर सकते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारी इस धरती पे, हमारे इस अर्थ पे सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी कि सबके सब कोई ना कोई किसी भी टाइम पर आके ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। सारे सोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या था, जुलाई 2015 के अंदर एक एस्टेरॉयड गुजरा था हमारे अर्थ के बहुत सरफेस के बहुत पास से, जिसकी दूरी थी तकरीबन 2.4 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि हमारे जो मून की डिस्टेंस है उससे 6 टाइम ज़्यादा दूरी से वो एस्टेरॉयड गुजरा था। जब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वो एस्टेरॉयड कौन सा, कैसा था और कैसा था, तो उसके बारे में ये पता चला कि उस, अगर एस्टेरॉयड से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते तो हमें कम से कम 54 ट्रिलियन का प्रॉफिट होता। तो आप गाइस सोच सकते हो कि 54 ट्रिलियन का हमें प्रॉफिट होता, बहुत बड़ा नंबर है गाइस। यानी कि सिर्फ एक एस्टेरॉयड से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है।
क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो काफ़ी हैवी मेटल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और गाइस आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे मेटल से मिलके बने होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सिलिकेट, क्ले से, मिनरल, आयन, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पास गोल्ड है, ठीक है। गाइस एक नाम बताता हूँ आपको, एक साइक 16 नाम से एक एस्टेरॉइड है। क्या नाम है? साइक 16। वो जो एस्टेरॉइड है वो उसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कम से कम 60% उसमें गोल्ड है। हाँ गाइस, यानी कि अगर उस प्लैनेट, उस एस्टेरॉइड से, प्लैनेट बोलना गलत होगा, हम बोलेंगे एस्टेरॉइड क्योंकि एस्टेरॉइड माइनर प्लैनेट्स होते हैं। अगर हम उस एस्टेरॉइड जिसका नाम है साइक 16, अगर हम उससे उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, यानी गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करें, तो अगर हमने इस धरती पर उसको ला कर एक्सट्रैक्ट करके काम करें, तो हो सकता है कि इस पूरे धरती पर जितने इंसान हैं, हर एक इंसान मल्टी मिलियनियर हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टी मिलियनियर। यानी कि गाइस आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हम कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि यार इतना आसान तो है नहीं सारा काम करना, कि एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है स्पेस पे जा रहा है, फिर वहाँ से एस्ट्रॉइड्स के पास जा रहा है, फिर वहाँ से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, फिर वापस वो अपने धरती पे आना, अर्थ पे आना, ये गाइस बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगने वाला है। लेकिन आप गाइस खुद सोचिए कि जितना हम खर्चा करेंगे इन सब काम करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए एस्टेरॉइड से, जितना खर्चा करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, कम से कम 100 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि आपको पता है कि ये एस्टेरॉइड्स के पास इतने हैवी मेटल्स हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इतना महंगा हो सकता है। सो गाइस, जो नासा के एक टेस्ला कंपनी के जो मालिक है, जिनका नाम है एलोन मस्क, आपको अच्छे से पता होगा एलोन मस्क, उनके पास स्पेसएक्स कंपनी भी है, उन्होंने एक ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह एस्टेरॉइड माइनिंग करें। एस्टेरॉइड माइनिंग गाइस इतना आसान नहीं है करना, लेकिन हम इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, क्या पता आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ और आप जाके मेन लॉक एक्सट्रैक्ट करो, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज मैंने जितनी नॉलेज ली थी इसके बारे में, जितनी मैंने रिसर्च की थी इसके बारे में है, बाकी जितनी भी आपको नॉलेज लेनी है, बाकी जितना ये पढ़ना है इसके बारे में, आप जाके गूगल पर पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। लेकिन आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं, ठीक है, किस कहाँ किससे मिलके बने होते हैं, और जहाँ भी मिलते हैं उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। और कितने हैं टोटल? 2,000,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स हैं। और मैंने आपको बताया कि इनकी कीमत लाखों करोड़ों अरबों में है, यानी कि तकरीबन अगर आप एक एस्टेरॉइड से मिलना को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 1,00,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं गाइस। सोचो कितना बड़ा नंबर है। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। और गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं अपने लिए बहुत प्योर कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ, आपकी किताब से भी और आपकी एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं उनसे भी, और बाकी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बुक आपके लिए नॉलेज लेकर आऊँ, ताकि आपको और भी नॉलेज सीखने को, और भी बाकी आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, और बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर बनाएं, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है हमें बताओ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।